हाय, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बहुत मज़े में हूँ। मैं एक्चुअली एक वेकेशन पे आई हुई हूँ। थोड़ा सा मोनोटनस हो गया था 1.5 साल से, कोविड में, लॉकडाउन में, घरों से ही काम कर रहे हैं। बहुत कम ऑफिस जाने को मिलता था जब भी लॉकडाउन रिलीज होता था, तो मैंने सोचा कि अब एक ब्रेक लिया जाए और नेचर के पास आके रहा जाए। मुझे यहाँ पर हो गया 1 हफ्ता रहते हुए, जहाँ मैं रह रही हूँ, आप जो पीछे मेरे देख रहे हैं, दैट्स अ हट वेयर आई एम लिविंग, दिस इज़ अ प्राइवेट हट। और मैं यहाँ स्टेयर्स पे बैठ के इसलिए आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि अंदर लाइट नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, यहाँ पर सोलर पैनल से ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और लकीली जब से मैं आई हूँ, लकीली कही है बट मुझे मतलब अनलक्की भी हो सकता है कई लोगों के लिए, बट लकीली यहाँ पर सन नहीं निकला है और मैं एक फॉरेस्ट में हूँ और ये साउथ इंडिया में है, तो यहाँ सन नहीं निकला है, तो यहाँ सोलर पैनल से जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे हम लोग अपने गैजेट्स चार्ज कर पाते हैं। लेकिन हट्स में और जो जितने भी लोग रह रहे हैं बाकी, यहाँ पर ना तो कोई पंखा होता है ना कोई लाइट होती है, तो इसलिए यहाँ बैठ के मैं शूट कर रही हूँ। वैसे आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग भी खूब मज़े में होंगे। तो मैं यहाँ नेचर में आई थी, मुझे लगा कि आप लोगों से दो ऐसी बातें शेयर की जाए जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस करी हैं और शायद आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी। लेकिन उससे पहले लेट्स हियर सम नेचुरल साउंड्स ऑफ द बर्ड्स चर्पिंग कंटिन्यूसली इन द बैकग्राउंड। कैन यू हियर दैट? इट्स सो रिलैक्सिंग, सो रिलैक्सिंग। मतलब मैं यहाँ पर आके इतनी खुश हो गई हूँ कि मुझे इतना मज़ा आने लगा। ओ माई गॉड, देयर इज अ कैट देयर। सो यहाँ पर इतने सारे जानवर हैं, इतना रहता है यहाँ पर। कैट्स एंड डॉग्स तो इस तरीके से घूमते हैं जैसे कि मतलब वो आके हमारे साथ भी रह लेते हैं। कैन यू सी दैट कैट बिहाइंड मी? वाओ, सो दैट्स कॉल्ड द नेचर। सो दो ऐसी चीज़ें जो मैंने खुद सीखी हैं यहाँ नेचर में रहकर। नंबर एक कि स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए इससे अच्छी कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि ग्रीन कलर जो है ना वो एक्चुअली सूदनेस को, कामनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी ग्रीनरी होती है ना घर में, तो हम लोग एक काम वाइब्स महसूस करते हैं। तो सोचिए अगर आप आकर किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ से ग्रीनरी ग्रीनरी है, तो आप कितना ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। तो जब एक बार वो स्ट्रेस रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा तो आप अपने आप चार्ज अप हो जाएंगे। इसलिए अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको लगता है किसी भी चीज़ में काम में मन नहीं लग रहा, टेक अ ब्रेक, टेक अ वेकेशन, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जाके नेचर में रहिए, इट विल रियली हेल्प यू। एंड दूसरी, अगर आपको लगता है कि स्टैग्नेंसी आ गई है, आपको नए आइडियाज़ नहीं आ रहे पा रहे अपने बिजनेस के लिए या लाइफ में, कहीं पर भी किसी भी डोमेन में एक स्टैग्नेंसी आ गई है, तो फौरन आप जाइए। वो एक अलार्मिंग स्टेट है कि बस बॉस अब तो कुछ करना है अपने लिए, तो जाइए एक नेचर में, ब्रेक लीजिए। अगेन अपने साथ गैजेट्स पे कम, पेंसिल और नोटबुक रखिए या पेन और नोटबुक रखिए, या पेंट करते हैं पेंट कीजिए, कुछ भी करिए, तो उसको वहाँ लिखिए। पता हमारा दिमाग कैसे होता है, स्टैग्नेंसी कब आती है, जब हमारे पास ना सारे ओल्ड थाट्स जो है ना वो इतने सारे पाइलअप हो जाते हैं, उनको पहले तो रिलीज़ करना है। हमारा दिमाग एक बॉक्स की तरह है, अगर उसमें पुरानी अनयूज चीज़ें भरी हुई होंगी तो उसको पहले तो खाली करने की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर उसमें नए आइडियाज़ और क्रिएटिव आइडियाज़ आने शुरू होते हैं। तो जब आप नेचर में जा रहे हैं तो वहाँ पर पहले तो अपने थॉट्स को रिलीज़ करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास नए थॉट्स आने शुरू हो गए। तो आई थिंक ये दोनों रीजंस गुड इनफ हैं कि अगर आपके लाइफ में इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है आजकल, तो आप डेफिनेटली एक ब्रेक लीजिए और नेचर में ब्रेक लीजिए, और आप देखेंगे कि आपको इतना मज़ा आया ये ब्रेक लेकर कि आपने उस प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर लिया। तो ब्रेक लीजिए, मुझे बताइए, और अगर आपने रिसेंटली कोई ब्रेक लिया है और उसका कोई एक्सपीरियंस है तो मुझसे डेफिनेटली शेयर कीजिए। एंड यू नो द ड्रिल, टू लाइक शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो, and please make sure that you subscribe to my YouTube channel because I'm coming up with lot of interesting videos these days and you will definitely enjoy those videos. And aap mere dusre YouTube channel pe jaakar dekh sakte hain jiska link main yahan par dal rahi hu ki main kahan reh rahi hu, mera yahan par dincharya kya hai, what's the life like here and how I am enjoying this place. And also you can see some videos here, some photographs here. And अगर आप और भी ज़्यादा देखना चाहते हैं तो मेरे Instagram पे भी जा सकते हैं जिसका हैंडल मैं यहाँ टैग कर रही हूँ। आपको वहाँ पर बहुत सारी रील्स और वीडियोज़ देखने को मिलेंगी और फोटोग्राफ्स देखने को मिलेगी। बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और लाइफ को खूब इन्जॉय कीजिए।